जी हाँ दोस्तों, काला पत्थर है क्या? मैंने भी कई लोगों से पूछा, आप थंबनेल देख चुके होंगे, काला पत्थर है क्या? मैंने भी कई लोगों से पूछा, माउंट हेरेट नेशनल पार्क में जो काला पत्थर है, एक्चुअली में उसका हकीकत क्या है? तो कोई बहुत लोग कोई बता नहीं पाए, कुछ किसी का कोई संतुष्ट बात नहीं था कि काला पत्थर है क्या। फिर हमने ही इसको सर्च किया और हमको अच्छे से एक आदमी मिल गए, तो उन्होंने बताया काला पत्थर है क्या, इसका हकीकत बताया। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा काला पत्थर है क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं AK जी। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग टिकट ले चुके हैं, अब हम लोग माउंट हेरेट नेशनल पार्क के अंदर एंट्री कर रहे हैं। गार्डन जो है यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, अब हम लोग यहाँ से बाइक के थ्रू गार्डन में जाएंगे। गार्डन का वीडियो आप देखिएगा। हेरिट नेशनल पार्क के गार्डन में पहुंच चुके हैं हम लोग। गार्डन का स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से गार्डन स्टार्ट होता है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गार्डन है ये। और यहाँ पर बहुत ही कूलिंग मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम ठंडा मौसम है, अच्छा लग रहा है, एकदम शांत वातावरण है। देखिए आज गार्डन में कम लोग आए हुए हैं। माउंट हेरिट नेशनल पार्क में आने के लिए हम लोग पोर्ट ब्लेयर से बाइक के थ्रू आए हैं, चैटम ब्रिज से होते हुए चैटम आइलैंड पे आए, वहाँ से जट्टी से हम लोग शिप लिए हैं, शिप लेकर बम्बू फ्लैट आए, बम्बू फ्लैट से फिर से हम लोग बाइक लेकर नेशनल पार्क में टिकट लेकर आ चुके हैं। अंडमान जितना खूबसूरत है, यहाँ के पक्षी उतने खूबसूरत हैं। देखिए आप पिक्चर देख पा रहे हैं जिसमें अंडमान स्पेशल बर्ड का फोटो है, अंडमान स्पेशल बर्ड है। और ये दूसरा जो फोटो आप देख रहे हैं, इसमें अंडमान स्पेशल फ्लावर के फोटो हैं। यही सब मिलकर अंडमान को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। सामने जो दिख रहा है वॉच टावर है, निकोबार द्वीप समूह में दो ही प्रकार के लोग लोकल माने जाते हैं यहाँ के, जो यहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं, पहले जरवा और दूसरे निकोबारी, जो निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। देखिए निकोबारी लोगों का ये झोपड़ी है, इस प्रकार के झोपड़ी बनाकर वो रहा करते हैं। ये झोपड़ी जो है पूरा तरह से प्राकृतिक सामानों से बना हुआ है, ऊपर की ओर लकड़ी के स्तंभ पे खड़ा है ये। देखिए हम सीढ़ी की ओर जा रहे हैं, ऊपर हम अंदर पहुंच गए हैं। अंदर में तो बहुत ही कूलिंग है, एसी के जैसा कूलिंग है अंदर में। ऊपर में देखिए ये कुछ सामान उनको टांगने के लिए ऐसा बनाया हुआ है, और नीचे लकड़ी का स्टूल है, और नीचे जो लकड़ी का फर्श है उस पर वो रहा करते हैं, सोते हैं। गार्डन बहुत ही खूबसूरत है, अगर घूमते घूमते आप थक जाएं तो रिलैक्स करने के लिए शेड बने हुए हैं। देखिए सामने जो शेड दिख रहा है, ये रिलैक्सेशन शेड है। माउंट हेरियट के गार्डन बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर शांति है और
स्कूलिंग एटमॉस्फेयर है, आने पर बहुत ही अच्छा लगता है। और देख सकते हैं ये जो यहाँ के फॉरेस्ट विभाग के लोग निगरानी करते हैं गार्डन पे, उनका सेट बना हुआ है, यहीं पे वो रहते हैं और पूरे गार्डन का देख रेख, यहाँ के पशु पक्षी का देख रेख करते हैं। पुराने 20 के नोट के पीछे आप जो माउंटेन व्यू का पिक्चर देखते हैं, वो माउंटेन व्यू का पिक्चर इसी पोजीशन से खींचा गया था, इसी माउंटेन का। देखिए ये 20 का नोट है ना, इसमें जो व्यू दिखता है सामने दिख रहा है, काला पत्थर जा रहे हैं, गन पॉइंट है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, हम लोग यहाँ से जाते हैं रास्ते में। कितना किलोमीटर होगा? 2.5 किलोमीटर ना, 2.5 किलोमीटर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर आने का टाइम, और 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम लोग चलना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग गन पॉइंट जाते हैं जो 80 मीटर है, यहाँ से 80 मीटर है, हम लोग गन पॉइंट पे ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से 80 मीटर है, देख सकते हैं आप। गन पॉइंट बोलते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये पुराने गन का पार्ट है, जिसके थ्रू रोटेशन करके पूरे आइलैंड पे नज़र रखते थे, अगर कोई समुद्र से शिप के थ्रू आए तो वो ऊपर से ही देख सके। हम लोग पूरा थक गए, 2.09 किलोमीटर लिखा था लेकिन मेरे को लग रहा है 3 किलोमीटर हम चले करीब, 3 किलोमीटर है, पूरा थक गए, पूरा पसीना हो गया, ठंडा है लेकिन फिर पसीना हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा व्यू है, यहाँ पे ये व्यू है, क्या व्यू है, जंगल पूरा नेचर व्यू है यहाँ पे, पूरा फुल ही नेचर। हम लोग को लगा कि काला पत्थर कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन यहाँ पर आके देखा गया तो 4-5 पत्थर है यहाँ पे बस। वेलकम टू काला पत्थर। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पर पत्थर में लिखा हुआ है, देखिए पत्थर में देखिए कैसे लिखा हुआ है, इसको घिस के लिखा गया पत्थर से। यहाँ पर लिखा हुआ है USKCC 23-18-85 और आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखा है वार N0, समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखिए इसी तरह बहुत सारा लिखा हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर आगे वार्नफोर्ड लिखा है, वार्नफोर्ड 1876। यहाँ नीचे बहुत ही खाई है, देखने पे लग रहा है यहाँ से बहुत ही नीचे खाई है। पता करने पे पता चला कि पहले जो लोग यहाँ कैदी बना के लाए गए थे उनको सजाए मौत के तौर पे यहाँ से फेंक दिया जाता था नीचे खाई में, जिसके कारण लोग काला पत्थर बोलने लगे। आज भी लोग इसको काला पत्थर के नाम से ही जानते हैं, इसकी भी कहानी काला पानी से कम नहीं है। उस समय का पत्थर में लिखा हुआ ये इंडिकेशन है, ये देखिए कोई स्टार्टिंग कर रहा था यहाँ पे लिखने के लिए, ये यहाँ ये देखिए, हम लोग ट्राई करके देखेंगे, हम लोग लेट हो गया काफ़ी, समथिंग 5 बजने वाले हैं, जाने हम लोग अंधेरा हो जाएगा, रास्ते में बहुत डर लग रहा था हम लोग को कहीं कोई जंगली जानवर ना मिल जाए, बहुत डर लगा हम लोग को, हम लोग डरते डरते यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन यहाँ से निकलते हैं अब, बहुत डर लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सुनसान है, एक आदमी भी नहीं दिखा हम लोग रास्ते में, एक आदमी भी नहीं। अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, पूरा गर्मी हो गया, मौसम एकदम ठंडा था, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, लेकिन पूरा पसीना हो गया, हालत खराब हो गया चलते चलते।
2.09 किलोमीटर लिखा, लेकिन भाई डाउट ज्यादा है, 2.9 किलोमीटर नहीं है पक्का, 4-5 किलोमीटर होगा, बहुत दूर है।